अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे करेले की चटनी, जिसके लिए हमने 400 ग्राम करेले लिया है और इसे इस तरह से गोल स्लाइस में काट लिया है। थोड़ा हमने इसे थोड़े मोटे रहने दिया है, क्योंकि ये सालन में हमारी सब्ज़ी जब पकेगी तो थोड़े और पतले हो जाते हैं। इसे बहुत पतले नहीं रखना है हमें, क्योंकि हम इससे चटनी बना रहे हैं, फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको थोड़े इतने ही, ज़्यादा मोटे नहीं, ज़्यादा पतले नहीं, इतने साइज़ के छुरी से काट लिया हमने। तो हमने 400 ग्राम करेले लिया था, इसके लिए हमने एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1.5 टेबल स्पून हमने गुड़ लिया है। हमें गुड़ लगेगा, क्योंकि हम ये खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं। और हल्दी हमने आधा टी स्पून लिया है, जो हम करेले में बॉईल करते वक्त भी डालेंगे और बघार में भी डालेंगे। और मिर्ची हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है। मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और बघार के लिए हमें ज़ीरा लगेगा। और मीठा तेल हमने 200 ग्राम लिया है। और हम इसमें थोड़ा इसको बॉईल करे बाद करेले सबसे पहले हम पानी में नमक और हल्दी डाल के इसे बॉईल करेंगे, फिर इसे निथार के इसे हल्का सा थोड़ा फ्राई कर लेंगे कम तेल डाल के। तो हमें फ्राई करने के लिए और चटनी बनाने के लिए तेल जितना चाहिए हम उतना इसमें से लेंगे। और प्याज हमने 200 ग्राम प्याज लिया है हमने। ये टोटल 4 से 5 प्याज थे बड़े साइज़ के, तो हमने इसे इस तरह से पतले स्लाइस में काट लिए हैं। और इमली का रस लगेगा हमें, तो हमने इमली ये 150 ग्राम हमने इमली ली है। इसे हमने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो इसका रस हम फिर इसमें कम ज़्यादा जितना लगेगा डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। आप इमली और गुड़ आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा, और प्याज भी आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करेलों को उबाल लेंगे पानी में डाल के। तो बहनों, इसलिए हम उबाल रहे हैं ताकि इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाए। तो हम बॉईल करके इसका पानी निथार लेंगे और उसे हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे उबाल लेंगे। ये बॉईल हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है, इसमें अब हम करेले डाल देंगे। इस तरह से इसमें हम पानी हमारा हमने से गर्म होने के लिए 2-3 मिनट पहले से रख दिया था। हमें 5 से 6 मिनट बॉईल होने देना है, थोड़ा हल्का सा गलने उतना। जब हमें लगेगा कि करेले थोड़े नरम हुए तो हम फिर गैस बुझा देंगे। हम आधा टीस्पून इसमें नमक डाल रहे हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से अंदर तक नमक जाए। थोड़ी सी आधा टीस्पून हम शक्कर डालेंगे ताकि इसका कलर ग्रीन रहे। कभी भी याद रखें, आप सब्जियों को जब भी उबालें इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून या आधा टीस्पून शक्कर डाल दें, तो इससे सब्जियों का कलर जैसा है वैसी ग्रीन रहता है। बटाने उबाल रहे हैं या आप कॉर्न उबाल रहे हैं या फिर शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, आलू, जो भी चीज़ उबाल रहे हैं इसमें थोड़ा शक्कर डाल दें। और बस हम इसमें सिर्फ थोड़ी चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देंगे। बस इसे हम और 4-5 मिनट उबलने देंगे, फिर गैस को बुझा के इसे एक छन्नी में छान लेंगे। इसे 5 मिनट उबलने देंगे, फिर इसे छन्नी में निथार लेंगे। करेले हमारे 5 मिनट से अच्छे से बॉईल हो रहे हैं, अभी अच्छे से
इस तरह से गल चुके हैं ये, इस तरह से गर्म हो गए हमने, इसे दबाया तो टूट जाए। तो बस इस बेस पे हम इसे निथार देंगे, इसे अब एक छन्नी में निथार देंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा जो ये ऑयल रखा था वो डालेंगे, फिर इसके बाद इसमें हम करेले डाल देंगे। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अब इसमें हम करेले डाल देंगे। इस तरह से हमने ये छन्नी में बॉईल करने के बाद इसे हमने एक छन्नी में निकाल दिया था, ये इस तरह से अच्छे से हमारे करेले गल चुके थे, तो हमने इसे 6-7 मिनट बॉईल होने दिया था। अब इसे हम ये कढ़ाई में डाल देंगे, इसे हल्का सा हमें फ्राई करना है 4-5 मिनट तक, 4-5 मिनट तक हम इसे फ्राई करें। इसे थोड़ा और ऑयल डालेंगे, हम इसमें ऑयल थोड़ा फ्राई होने उतना ही डाल रहे हैं, 100 ग्राम तक ऑयल डाल रहे हैं इसमें। टोटल हमने इसमें आधा कप ऑयल डाला है, बाद में हम इसमें ही इसके ऑयल में ही प्याज को भी फ्राई कर लेंगे, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं ताकि हमारे करेले अच्छे से फ्राई हों, तो इसलिए हमने इसमें आधा कप तेल डाल दिया था। इसे अच्छे से होने देंगे फ्राई, चार से पाँच मिनट तक इसे फ्राई होने देंगे। ये करेले हमारे 5-6 मिनट से फ्राई हो रहे हैं, इसे हम थोड़ा हल्का सा गोल्डन, इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है हमें, इस तरह से गोल्डन होने तक। हमने इसे मोटा इसलिए रहने दिया था, बहुत ज़्यादा पतले इसलिए नहीं करे थे हमने इसे, क्योंकि हमने इसे बॉईल किया है, तो बॉईल करने के बाद फ्राई कर रहे हैं हम, तो अगर हम पतले काटते थे तो फिर ये टूट जाते थे, इसके लिए इसे थोड़ा मोटा ही रहने दें। जैसे हमने क्रिस्पी करेले बनाए थे उस तरह हमें इसको पतला नहीं रखना है, क्योंकि हम इसे बॉईल भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हमने थोड़ा मोटा रखा था। बहनों ये ज़रूर आप घर पे ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है, खट्टी मीठी वो टेस्टी दिखती है ये चटनी, बिल्कुल मालूम नहीं होता कि करेले की है वो। आप इसे टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, अगर आप जॉब पे जाते हैं तो ये टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। ये 2-3 दिन तक इसे आप फ्रिज में कंटेनर में निकाल के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें इमली का खट्टा होता है, तो ये 2 दिन तक बिना फ्रिज में रखे भी ये बाहर रख सकते हैं इसे। अब ये हमारे करेले अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो इसके बाद हम इसमें ही प्याज डालेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे हम इसमें। करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे, पूरे एक एक करके हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे हमें 10-12 मिनट तक हमने इसे फ्राई होने दिया, हम इसे बॉईल करके फ्राई इसलिए कर रहे हैं, इससे हमारे करेले कड़वे नहीं बनते,
फ्राई करने से इसका कड़वापन कम हो जाता है, तो इसलिए हमने इसे बॉईल करके इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। तो हमने 12 मिनट इसे फ्राई किया है। अब आपके हिसाब से आँच फूल रख के हमने इसे फ्राई किया। तो इस तरह पूरे निकाल लेंगे इसे हम। थोड़े से हमारे ये रह गए थे, इससे भी हम और अच्छे फ्राई होने दे रहे। हमने एक साथ डाल दिया था, आप चाहे तो आधा आधा करके भी फ्राई करके निकाल सकते हैं, इसलिए हमको टाइम लगा। आप चाहे तो थोड़े थोड़े डाल के भी फ्राई करके निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए हमने तरह गोल्डन होने दिया था इसको। अब इसमें हम कढ़ाई में प्याज डाल देंगे। थोड़ा बाकी का जो तेल था हमारा वो भी इसमें हम डाल देंगे। टोटल हमने इसमें एक से एक कप तेल डाला है, 200 ग्राम तेल डाला हमने। अब प्याज को भी हम अच्छे से थोड़े गोल्डन ब्राउन होने तक, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, क्रिस्पी नहीं करना है इसे, थोड़ा बस गोल्डन होने तक ही इसे फ्राई करना है। इसमें हम साथ ही साथ नमक भी डाल देंगे, और करेले में भी हमने तलते टाइम 1/4 टीस्पून नमक डाला था ताकि इसमें अंदर तक जाए। कभी भी याद रखें, आप कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो या तल रहे हो प्याज, उसमें चुटकी भर नमक डाल दें, उससे प्याज क्रिस्पी और जल्दी फ्राई होती है। इसे हम 5 से 7 मिनट तक फ्राई होने देंगे। ये प्याज हमारी 3-4 मिनट से फ्राई हो रही है। अब इसमें हम साथ ही साथ इसके ज़ीरा डाल देंगे, ये जो हमने ज़ीरा रखा था वो डाल देंगे। बस बिल्कुल 1/4 टीस्पून डाला है हमने इसमें ज़ीरा। और 1-2 मिनट और होने देंगे, इसमें अदरक लहसुन लाल मिर्ची डाल देंगे, फिर 1 से 2 मिनट और होने देंगे। ये प्याज हमारी 6-7 मिनट से फ्राई हो रही है, बस अच्छे से हो गई है ये लाइटली गोल्डन। बस अब हम इसमें अदरक लहसुन लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर डालेंगे। ये जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट रखा था ये डाल देंगे सबसे पहले। हम 1/2 टेबल स्पून ही अदरक लहसुन डालें इसमें। उसके बाद जो ये 1.5 टेबल स्पून हमने मिर्ची पाउडर रखा था वो डाल देंगे। फिर इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, ये हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें। उसके बाद जो हमने फ्राई करके करेले रखे हैं वो डाल देंगे अब इसमें हम। ये करेले डाल देंगे इसमें हम।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, और ये जो इमली रखी थी इसका हमने इस तरह से रस निकाल लिया है इसका। तो हमने इसको 2 कप पानी डाल के इसका रस निकाला था। बाकी का भी रस इसमें हम डालते हैं। हमने इसमें टोटल 1 कप भर पानी डाला था, और अगर हमें लगेगा तो हम और थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे। थोड़ा हम 1 प्याली और पानी डाल रहे ताकि हमारे करेले जो थोड़े से सख्त है वो अच्छे से गल जाए। अब बस इसमें अब हम ये गुड़ भी डाल देंगे। ये जो गुड़ रखा था ये डाल देंगे इसमें। हमने अच्छे से पूरा गुड़ डाल दिया है इसमें। अब इसे हम 6 से 7 मिनट और पकने देंगे। इसके चेक लेंगे हम, अगर हमें लगा नमक कम है तो हम और डाल देंगे, अगर खट्टा भी कम है तो हम और डाल देंगे। नमक इसमें कम है, थोड़ा और आधा टीस्पून नमक डाल रहे हैं। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें और थोड़ा 1 प्याली और पानी डाल रहे हैं। टोटल हमने इसमें 2.5 कप पानी डाला है। 1 कप इमली के खट्टे में डाला था और अभी 1.5 कप डालते हैं हमें। तो ऐसे टोटल हमने 2.5 कप पानी डाला है। अब इसे और 5 मिनट ढक कर पकने देंगे। कर 5 से 6 मिनट और पकने देंगे। फिर इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डालेंगे। ये हमारी 6-7 मिनट से पक रहे हैं, अभी गले नहीं हमारे करेले। फिर और हम 5 मिनट रहने देंगे। हमने इसे चखा है, इसमें थोड़ा गुड़ कम लग रहा है, तो हम इसमें और 1 टेबल स्पून गुड़ डाल रहे हैं। आप अगर कम मीठा खाते तो आप नहीं भी डाले तो चलेगा, आपके टेस्ट के हिसाब से आप गुड़ कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हमने इसमें टोटल 2 टेबलस्पून गुड़ डाला, गुड़। और ये हरी मिर्ची को हमने इसे कट लगा के रखा था, 5-6 हरी मिर्चियाँ इसमें डाल दी। और इसे और 5 मिनट तक ढककर पकने देंगे हम। और 5 मिनट तक होने देंगे। ये करेले हमारे 5 मिनट से पक रहे हैं। इसे हम ढक्कन हटा के थोड़ा हिलाएंगे। इसे हम चेक कर लेंगे गले के नहीं, इस तरह से। इस तरह से जैसे थोड़े गलना बाकी अभी है,
इसे हम और 4 से 5 मिनट और रहने देंगे। अभी और 5 मिनट इसे पकने देंगे, थोड़ा गलने देंगे। तो चलिए, ये 5 मिनट से हमारे और करेले पक रहे थे, अभी से हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। तरह से चेक करेंगे, ये अच्छे से गल चुके हैं हमारे। इसमें हरा धनिया डाल देंगे आप, 1 मिनट और होने देंगे, फिर हम गैस बुझा के सिर्फ सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो हम ये जो हरा धनिया रखा था उसमें डाल देंगे। तो चलिए, ये हमारी करेले की चटनी हो चुकी है, जिसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए बहनों, ये हमारे करेले की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसे कुकर में भी लगा के बना सकते हैं। कुकर में प्याज पहले फ्राई कर ले, उसके बाद इसमें करेले लगा के 1 से 2-3 सीटी होने तक इसे गलाएं। हमने पैन में बनाए बोल के हमें टाइम लगा है, अगर आप जल्दी बनाना है आपको तो आप कुकर में बना सकते हैं। तो इसे हम हरे धनिए से गार्निशिंग करेंगे इस तरह से। तो लीजिए बहनों, हमारी करेले की चटनी तैयार है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको और दूसरे भी रेसिपी बताऊंगी। आप अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी थी। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।